बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए शहर में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर मॉडिफाइड साइलेंसर और दो पहिया और चार पहिया वाहनों में अमानक नंबर प्लेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते आज माल गोदाम रोड पर पुलिस द्वारा एक बुलेट चालक को रोका गया। दरअसल बुलेट चालक द्वारा अपनी गाड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया गया था, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और मॉडिफाइड साइलेंसर की वजह से लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। वहीं पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे समझाइश दी है कि वह इस तरह मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग ना करे, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की जा रही यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, जहां इस तरह के वाहनों के पाए जाने पर वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी बुलेट जो हैं, जो मॉडिफाइड साइलेंसर यूज कर रहे हैं और जो भी अमानक नंबर चल रहे हैं, चाहे वो दो पहिया हो या चार पहिया, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनके विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण के उसमें कार्रवाई की जा रही है। जो भी साइलेंसर मॉडिफाइड यूज़ कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साइलेंसर के इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर जो भी जबलपुर ज़िले में जो भी वाहन बिना नंबर के या अमानक नंबर पे चल रहे हैं और जो भी बुलेट मॉडिफाइड साइलेंसर यूज़ कर रहे हैं या पटाखे जला रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए थे, जिसके संबंध में आज कार्रवाई करते हुए एक बुलेट पकड़ी गई है। जबलपुर से टीम लोक मंगल।